बड़े बड़े दांतों वाली ये खोपड़ी एक प्राचीन लकड़बग्घे की है। पैचीक्रोकूटा बोविरोस्ट्रिस प्रजाति के ये विशाल लकड़बग्घे बहुत पहले धरती से लुप्त हो चुके हैं। 1840 के बाद ये पहली बार है जब इस तरह के लकड़बग्घे का पूरा सिर मिला है। पैचीक्रोकूटा लकड़बग्घा धरती पर 72 लाख से 53 लाख साल पहले तक रहते थे और करीब 4 लाख साल पहले लुप्त हो गए। वैज्ञानिक इसे दुर्लभ खोज बता रहे हैं। रूस में इस तरह की खोज पहले भी हुई थी। उस दौर में पैचीक्रोकूटा की पहली पूरी खोपड़ी जबड़े के साथ बाइकाल में खोजी गई थी। अब देश में हमारे पास 2 पूरी खोपड़ियां हैं जिनसे हमें इस जानवर का पूरा अध्ययन करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये खोपड़ी भी हर तरफ से पूरी नहीं है, इसके भी कुछ हिस्से गायब हैं। ये सब दुर्लभ हैं, तो इसलिए ये अच्छी खोज है। यूरोप से खोपड़ियों के सिर्फ टुकड़े ही थे। दुखद है कि पैचीक्रोकूटा का ये नमूना भी हर तरफ से पूरा नहीं है। 1850 में फ्रांस के सेंजेलेस से मिला नमूना वास्तव में हर तरह से पूरा था। इसे हम पूरा कह सकते हैं। इस खोज से वैज्ञानिकों को इस जीव के विकास की कहानी के सिरे जोड़ने में मदद मिलेगी। हम इस खोपड़ी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे ज्यादा ब्यौरा दिखेगा, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि ये इस प्रजाति के विकास की खासियतों के बारे में ज्यादा गहरी समझ देगा। मसलन, क्या वो अपने से पहले की प्रजाति के करीब थे या बाद की प्रजाति के, जो प्लेस्टोसीन के आखिरी दौर में आई। जायंट हाइना का आकार आज के हाइना की तुलना में 1.5 से 2 गुना बड़ा और भारी था। मौजूदा दौर की शेरनी इस आकार और वजन की होती है। ये एक शानदार जानवर है। ये यूरोप में 20 लाख साल पहले आया और ये इकोसिस्टम के लिए पर्याप्त रूप से अहम है और इसकी मौजूदगी को पैचीक्रोकूटा डेटा कहते हैं। ये यूरोपीय प्राणी जगत के विकास में अहम समय है। जब यूरोप में हाइना को देखा गया था उसके करीब 10 लाख साल बाद वो लुप्त हो गए। इस खोपड़ी के साथ मौजूद जबड़े में शिकार करने वाले दांत यानी रूट टूथ मौजूद नहीं है। हालांकि इसके बाद भी ये लकड़बग्घा जिंदा रहा और खाता रहा। इसके बाकी दांतों की स्थिति देखकर वैज्ञानिकों ने कुछ नतीजे निकाले हैं। उनका कहना है कि ये शुरुआती एशियाई लकड़बग्घे और बाद के यूरोपीय लकड़बग्घे के बीच का जीव है। छोटे चेहरे वाले विशाल लकड़बग्घे के जबड़े का निचला हिस्सा मेरे हाथ में है। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रीमोलर टीथ बुरे हाल में है। रूट टूथ या प्रीडेटर टूथ में एक जगह थोड़ा सा उभार है। ये दांत जो इसके जीवन काल में ही टूट गया था, लेकिन इससे उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि प्रीमोलर दांत घिसे हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो सामान्य जीवन जीते हुए खा रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि लकड़बग्घे हड्डियों को चबाने के लिए अनुकूलित थे। वे प्रीमोलर दांतों का इस्तेमाल हड्डियों को चबाने के लिए कर रहे थे। क्राइमिया का ये इलाका कई प्राचीन जीवों का आवास रहा है। खासतौर से प्लेस्टोसिन दौर के जीवों के बारे में जानकारी देने वाले यहाँ बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं। ये गुफा कई शिकारी जीवों के लिए आश्रय बनी। अलग अलग दौर में यहाँ एटूरिया भालू, कटार जैसी दांतों वाले बाघों की 2 किस्में, भेड़िए, सियार, लकड़बग्घे और वन बिलाव रहे हैं। लकड़बग्घों के हड्डियों की संख्या दूसरे जीवों की हड्डियों की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक लकड़बग्घे की बजाय शायद उसका पूरा परिवार रहता था। ये रिसर्च इसलिए शुरू की गई है ताकि हिमयुग के पहले क्राइमिया का प्राकृतिक वातावरण कैसा था ये समझा जा सके।